क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा, जहां पर फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब घंटों इंतजार करते हैं, वो असल में पहले निर्माता एनसी सिप्पी का बंगला था? अमिताभ बच्चन को किस तरह से एनसी सिप्पी का ये बंगला मिला, इसके पीछे है एक रोचक कहानी। फिल्म चुपके चुपके, जो कि 1975 में बनी थी, इस फिल्म के शूट के लिए एनसी सिप्पी के बंगले का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस बंगले को एनसी सिप्पी ने साल 1977 में अपनी फिल्म इनकार की रिलीज के बाद बेच दिया था। एनसी सिप्पी को उस समय पैसों की कोई कमी नहीं थी और ना ही उन्होंने पैसों की तंगी की वजह से इस बंगले को बेचा था, बल्कि इस बंगले को बेचने के पीछे थी एक बहुत बड़ी वजह। और वो वजह ये थी कि एक बार एनसी सिप्पी के बेटे रोमू सिप्पी को किडनैप करने की कोशिश की गई थी और उस दौरान वो इसी बंगले में रहते थे। इस घटना के बाद एनसी सिप्पी का पूरा परिवार सहम गया था। वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार पर किसी भी आफत को नहीं आने देना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने इस बंगले को बेच दिया। लेकिन ये बंगला उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही क्यों बेचा, इसके पीछे भी छुपी है एक काफी रोचक घटना। फिल्म चुपके चुपके के दौरान फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू एनसी सिप्पी के बंगले पर लगभग पूरा पूरा दिन मौजूद रहती थी और इनमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी शामिल थे। हालांकि जब ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म को बना रहे थे तो इसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के किरदार के लिए वो नए एक्टर्स को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को ये पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी कोई फिल्म बना रहे हैं तो वो उनके पास अब उनकी इस फिल्म में काम मांगने के लिए पहुँचे। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बहुत समझाया कि इस फिल्म में जिन किरदारों के लिए वो न्यू कमर्स को ढूंढ रहे हैं, उनके हिसाब से वो किरदार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के लायक नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन किसी भी कीमत पर ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में जुड़ना चाहते थे और भाई कोई भी जुड़ना चाहेगा, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में उस जमाने की सबसे एंटरटेनिंग फिल्म्स में से एक हुआ करती थीं और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी भी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म से काफी अच्छा रहता था और उस जमाने में एक्टर्स ऋषिकेश मुखर्जी के किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ना अपने लिए एक बेहतरीन गिफ्ट मानते थे। यही रीजन था कि ऋषिकेश मुखर्जी के लाख समझाने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने इस फिल्म में छोटे छोटे किरदार निभाने का फैसला किया। ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को इनकार नहीं कर पाए और फाइनली इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को कास्ट किया गया। फिल्म के निर्माण के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट भी थीं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म में ऋषिकेश दा ने जया बच्चन को काफी स्मार्टली शूट किया। फिल्म के मैक्सिमम शॉट्स में जया बच्चन का सिर्फ प्रोफाइल सीन ही दिखाया गया। ये वो दौर था जब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स देखने के लिए दर्शक खूब इंतजार किया करते थे और शायद यही कारण था कि जिस दिन दूरदर्शन ने इस फिल्म को टीवी पर दिखाया उस दिन लोग घर से बाहर ही नहीं निकले और दूरदर्शन ने भी बहुत ही स्मार्टली इस फिल्म के ब्रॉडकास्ट के लिए वो दिन चुना जब सूर्य ग्रहण था ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। और फिर ऐसा ही हुआ। 1980 के फरवरी में जब इंडिया में सूर्य ग्रहण लगा तो दूरदर्शन ने इस फिल्म का प्रसारण किया ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और फिर हुआ भी वैसे ही, लोग अपने घर से ना निकल के इस फिल्म को एंजॉय करते रहे। जैसा कि अक्सर होता ही है, ऋषिकेश मुखर्जी के शूट के दौरान पूरी की पूरी कास्ट एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताया करती थी और क्योंकि इस फिल्म का काफी हिस्सा एनसी सिप्पी के बंगले में शूट हुआ, इस वजह से लोग अक्सर उनके घर में आया जाया करते थे। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने एनसी सिप्पी के साथ फिल्म सत्ते पे सत्ता भी शूट की। ये वो दौर था जब एनसी सिप्पी अपने इस बंगलों का सौदा कर चुके थे और ऐसा भी माना जाता है कि जब साल 1982 में सत्ते पे सत्ता रिलीज हुई थी तब अमिताभ बच्चन की फी के अगेंस्ट में एनसी सिप्पी के बंगले की कॉस्ट का कुछ हिस्सा भी एडजस्ट किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से अमिताभ बच्चन को जलसा मिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के साथ दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और बॉलीवुड बुलशिट फैमिली के साथ इसी तरह से जुड़ते चले जाइए।